आज हम क्लास सेवन्थ का मैथ करेंगे, उसका चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले की एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, और यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो कोई भी काम होता है वो या तो सर्टेन होता है कि होगा, वो पक्का है, या इम्पॉसिबल या होगा ही नहीं, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कि हो सकता है परंतु ज़रूरी नहीं है। तो आपने बताना है यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, तो ये क्या होगा, ये सर्टेन हो गया। क्यों? इसने कहा आज, कल से आप ओल्डर थे हैं, कल से तो एक दिन बड़े ही होंगे आप, तो ये क्या हुआ है, सर्टेन है। तो यही बताना आपने, सर्टेन है, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, ए टोस्ट क्वाइन विल लैंड हेड अप, तो ये क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड और टेल होता है, तो जरूरी तो नहीं कि वो हेड ही आएगा, हो सकता है हेड आ भी जाए और ना भी आए, तो ऐसी के लिए क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड पार्ट है, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद एट ऑन टॉप। ए डाई होती है जो उसको टॉस करेंगे हम तो उसके टॉप पे एट आएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? आपको पता है डाई जो हम खेलते हैं लूडो, तो उसमें क्या होता है, सिक्स फेस होते हैं, एक साइड वन होता है, एक साइड टू, एक साइड थ्री, एक साइड फोर, एक साइड फाइव, एक साइड सिक्स, सिक्स तक होते हैं, सिक्स से ऊपर डिजिट नहीं होते, और ये कह रहा है एट है, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल। थर्ड क्या होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि एट उसके अंदर नहीं होता, इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल ग्रीन, तो ये कह रहा है कि जो अगली लाइट होगी वो ग्रीन होगी, तो हमें तो नहीं पता अब कौन सी लाइट है, तो हो सकता है अब ग्रीन ही हो सकता है रेड हो सकता है येलो हो, तो अगर वो पहले अब की बात करता तो हमें पता होता कि अगली लाइट यही आएगी, उसने सिर्फ यही कहा है कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो क्या हो जाएगा, कैन हैपन, हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, जरूरी नहीं है, नॉट सर्टेन। ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, तो क्लाउडी हमें तो नहीं पता आज कि कल क्लाउडी होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या होगा, कैन हैपन बट, ये सेम है तो बट नॉट सर्टेन। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, देर आर सिक्स मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम वन टू सिक्स मार्क। एक बॉक्स में क्या है, सिक्स मार्बल है और उसमें वन टू सिक्स मार्क हैं, ऑन ईच ऑफ देम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर टू, तो टू की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं वो सारे
नीचे लिखे जाते हैं और जो फेवरेबल होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। अब 1 to 6 नंबर है तो उसमें क्या है, 2 तो 1 टाइम्स है तो वो 1 बार ही आ सकता है, 1 और टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 तो टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। तो 5 भी 1 ही है तो सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी, 5 1 टाइम्स है तो 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 1 और टोटल क्या है 6, 1 2 3 4 5 6 तो ये 6, तो इसकी 1/6 आंसर होगा, ये भी 1/6। तो 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक क्वाइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। जब भी आप गेम खेलते हो, आप करते भी होगे कई बार, मान लो एक क्वाइन को उछाला तो उसमें क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी यू टीम विल स्टार्ट, तो स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही आएगा। तो आप यही लिखोगे, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इक्वल टू या ब्रैकेट में लिख सकते हो आवर टीम, जो क्वेश्चन पूछा है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, आवर टीम स्टार्ट फर्स्ट। तो हेड और टेल में से तो हम एक ही मांगेंगे, तो वो क्या है 1 पॉसिबिलिटी है, और टोटल कितनी है, हेड है और टेल है, टोटल कितनी है 2, तो 1/2 हमारा आंसर होगा। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई और ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।